राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा राधिक रमन राधा राधिक रमन राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर प्रेमानंद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवशकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिष्टवान ग्रेस एसी भक्तिविदान स्वामी शिल प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिवशकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिष्टवान ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुर गंगा माई यमुना माई की जय विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जनता गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु अंगरंग ऑल ग्लोरीज श्री शिल प्रभुपाद की ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी श्लोक संख्या 3 से 5 श्लोक संख्या 3 शुणुत्स्व अवहितो राजन् शुणुत्स्व अवहिता राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयस्निद्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यं अपि उत शिणस्वव आविहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुस्निद्धस्य शिष्यस्य गुर्वो गुह्यं अपि उत शिणस्व आविहिता राजन् गुह्यं वदामि अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुस्निद्धस्य शिष्यस्य
गुरवो गुह्यम अपि उत क्षणस्व क्षणस्व वहितो राजन् माता जी स्किप हो गए तो अभी श्लोक संख्या 10, 13 से 3 से 5 था, तो ये तीसरा हमने किया, इसमें तात्पर्य नहीं है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, और चौथा और पांचवा भी करेंगे हम, और तो एक बार उसे भी दोहरा लेते हैं। तो हम साथ साथ उन श्लोकों को करेंगे, चौथा और पांचवा। तथा अद्वदनात् मृत्यो रक्षित्वा वस पालकं सरिता पुलीन मानिया भगवान इदम् आब्रवीत् अहो अतिरम्यं पुल्यं व्यस्यस। पांचवा श्लोक। अहो अतिरम्य पुलिं व्यस्य सव केली संपत मृदुल अच्छ बालुकम सूटत सरगंध हित अली पत्रिक धवनी प्रतिध्वान लसत द्रुम आलुकम। तो शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो पांचवें श्लोक से पढ़ रहे हैं और तीसरे और चौथे को बाद में अनुवाद पढ़ेंगे। पहले हम शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पांचवें श्लोक का कर रहे हैं, तो आप कृपया दोहराइए। अहो ओहो अति रम्य अतीव सुंदर पुलीनम नदी का किनारा व्यसया मेरे मित्रों सब केली संपत खेलने की सामग्री से युक्त मृदुल अच्छ बालुकम मुलायम तथा साफ बालुदर किनारा स्फुटत खिला हुआ सराह गंध कमल की गंध से हृत आकृष्ट अली भौरे का पत्रिक तथा पक्षियों का धवनी प्रतिध्वान उनकी चहचहट तथा उसकी प्रतिध्वनि लसत गतिशील द्रुम आलुक आकुलम सुंदर वृक्षों से पूर्ण। अनुवाद। मित्रों देखो ना ये नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रमने लगता है। देखो ना खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भोरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भोरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। कृपया दोहराइए। मित्रों देखो ना यह नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रमणीय लगता है। देखो ना खिले कमल किस तरह
अपनी सुगंध से भौरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुंगनाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। तात्पर्य, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, वृंदावन के जंगल का यह वर्णन 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किया गया था और यही स्थिति 300-400 वर्ष पूर्व वैष्णव आचार्यों के समय तक बनी रही। कूजत कोकिल हंस सरस गण कीर्णे मयूर कुले। वृंदावन का जंगल सदैव कोकिल हंस सारस जैसे पक्षियों की चहक तथा कुहू कुहू से पूरित रहता है और इसमें मोर भी रहते हैं मयूरा कुले। आज भी वही धवनी तथा वातावरण उस क्षेत्र में विद्यमान है जहाँ हमारा कृष्ण बलराम मंदिर स्थित है। जो भी इस मंदिर को देखने आता है वह यहाँ पर वर्णित पक्षियों के कलरव को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। कूजत कोकिल हंस सारस। श्लोक संख्या 3 का अनुवाद कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। हे राजन, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, हे राजन मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। तो भागवतम भी कह रहे ध्यानपूर्वक सुने। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्यम है और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उन विषय में कहूंगा क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्यम से गुह्यम तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। श्लोक संख्या 4 का अनुवाद। मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद भगवान कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। ओम ज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानन जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां सार्गजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतमसावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य भो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाध्यधिष्ठा। हरे कृष्ण। सो सभी भागवतम शुरू करने से पहले सभी भक्तों से
आशीर्वाद की याचना करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए भागवतम का कुछ चर्चा कर पाऊँ। और जैसे कि मुझे 3 श्लोक मिले थे और 5वें श्लोक में तात्पर्य दिया हुआ है, तो जनरली हम ऐसे में 5वें श्लोक पे कथा करनी चाहिए, पर 3रा श्लोक मुझे काफ़ी अपील किया, इसलिए मैंने 3रे श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका अनुवाद एक बार दोबारा, हे राजन मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्यम है और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूँगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्यम से गुह्यम तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। तो ये श्रीमद्भागवतम अध्याय 13 चल रहे 10वें स्कंद का, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, इसका शीर्षक है। और अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी ने, जैसे यहाँ भगवान ने अगासुर का वध कर दिया गया, और अब भगवान सारे ग्वाल बाल के साथ यमुना के किनारे जाके प्रसादम, एक तरह से वहाँ पर फीस्ट का आस्वादन करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार से जो अगासुर ने वृंदावन में प्रवेश किया और उसने जो ग्वाल बाल है उन सबको मारने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य था कृष्ण का वध करना, और उसने सोचा कि अगर मैं इनके फ्रेंड्स को किडनैप कर लूँगा, उनका वध कर दूंगा, तो क्या होगा, कृष्ण उनकी रक्षा के लिए स्वयं आएंगे। और इसी तरह उन्होंने कृष्ण के जो फ्रेंड्स हैं वो अगासुर के मुख में प्रवेश करते हैं और स्वयं फिर कृष्ण उनकी रक्षा के लिए प्रवेश करते हैं, और अपना विस्तार करते हैं, अगासुर के मुख के अंदर ही अपना विस्तार करते हैं और अगासुर का वध कर डालते हैं। और उसके बाद जो ग्वाल बाल होते हैं उन सबको भी भगवान पुनः जीवित करके और उनके साथ फिर अब आगे चलते हैं। और जब ये कथा सुनी तो यहाँ पर वर्णन आता है कि किस तरह से ऐसा लगा कि ये कथा को 8 साल हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर पीछे आ रहा है कि 8 साल बाद यहाँ पर ये कथा की चर्चा हुई। तो वहाँ पर परीक्षित महाराज, जो कि बहुत अटेंटिवली हियरिंग कर रहे थे, है ना, उन्होंने प्रश्न पूछा शुद्धदेव गोस्वामी से कि महाराज, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारने का कार्य तो अपनी कुमार अवस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगाण अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया, और शुद्धदेव गोस्वामी को वो अपनी स्थिति भी बताते हैं कि आप मुझे सारी कथाएं विस्तार में बताइए। और हम देखते हैं ये चीज भागवतम में पुनः पुनः रिपीट होती है, बार बार आती है, जिसमें जो वक्ता है वो जो श्रोता है वो वक्ता को प्रेरित कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एनकरेज कर रहे हैं कि आप हमें डिटेल्स में बताइए। श्रीमद् भागवतम का जब 10वां स्कंद भी चालू हुआ तो तकरीबन 6 या 7 दिन बीत गए थे, और शुद्धदेव परीक्षित महाराज बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए इस कथा का श्रवण कर रहे थे। तो कहीं पर शुद्धदेव गोस्वामी को ये ना लगे कि अभी ये थक गए होंगे, इन्हें भूख और प्यास जो कि असहनीय होता है वो सता रहा होगा, तो उनको एंकरेज करते हैं कि नहीं, आप मेरे को कथा, मैं इसका स्वाद आस्वादन कर रहा हूँ और मैं रैलिश कर रहा हूँ, मुझे भूख और प्यास नहीं सता रहा है। शौनक आदि ऋषि ने भी जब सूत गोस्वामी से इसका भागवतम का सुनाने का निवेदन किया तो बोला कि ये जो विषय है इतने स्वादिष्ट हैं, है ना, कि हमें पल पल पे इसका स्वाद अनुभव हो रहा है। और यहाँ पर भी शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त, एक मिनट, ये बात शुद्धदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि परम भाग्यशाली परीक्षित, तुम बहुत सुंदर प्रश्न किया है,
क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्य को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। तो साधु पृष्ठ महाभा तव्या भागोत्तमम, है ना, भागोत्तमम शब्द यूज हुआ है क्योंकि ये जो कथा चल रही थी परीक्षित महाराज को कोई भूख कोई प्यास नहीं सता रही थी, है ना, तो इसलिए उन्हें भगवत उत्तम बताया गया। और विदुर जी भी मैत्रेय मुनि को बताते हैं कि जब कथा सुनते हैं कि आप बताइए ये जो कथा ये बहुत रस प्रदान कर रही है। तो इस तरह से देखा जाता है कि पूरे भागवतम में रिपीटेडली ये चर्चा आती है कि किस तरह से जो वक्ता श्रोता हैं वो वक्ता को एक तरह से एंकरेज कर रहे हैं और कि आप कथा करिए, कथा बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर भी इससे दो श्लोक पहले ये बोला गया कि इतना अच्छा प्रश्न पूछा आपने परीक्षित महाराज और आप भागवतम है क्योंकि आपको ये कथा नूतन लग रही है। यहाँ पर देखते हैं कि शुकदेव गोस्वामी भी कितने विनम्र भाव से बात कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि मेरी कथा नूतन है क्योंकि आप भक्त उत्तम हो, है ना, और आप क्योंकि आगे बता रहे हैं कि प्रतिक्षण कृष्ण की चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, जो भक्त भगवान के अनुरक्त होते हैं उनका स्वभाव ही होता है प्रतिक्षण कृष्ण की चर्चा करना, तो उनके लिए कथाएं नित्य नूतन होती हैं। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज का गुणगान करते हुए कि क्योंकि आप इतने कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं कि आपको ये कथाएं नूतन लग रही हैं। और अब ये वाला श्लोक पे चर्चा करते कि हे राजन मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए कि भगवान की लीलाएं जो कि अत्यंत घुई है और सामान्य व्यक्ति भी नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उन विषयों में कहूँगा क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्यों को घुयम से घुयम तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। तो इस तीसरे श्लोक में चार विषय हैं जिन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा राधिका रमन की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा शिल प्रभुपाद की। तो पहला है, इसमें बता रहे हैं कि ध्यानपूर्वक सुनना, शृणुस्य अवहितः, ध्यानपूर्वक सुनना। दूसरा, स्निग्धस्य शिष्यस्य, है ना, कि आप बहुत ही विनम्र शिष्य हैं। तीसरा, कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो घुयम होती है और उन्हें समझना आसान नहीं होता। चौथा विषय जो हम चर्चा करेंगे, और आध्यात्मिक गुरु उन आध्यात्मिक विषयों को जो घुयम से घुयम है वो प्रदान करते हैं और सरल भी बनाते हैं। तो भगवान ने जब ये चार विषयों पे हम चर्चा करेंगे अब, भगवान ने जब अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान सुनाया तो अंत में उनसे प्रश्न पूछा भगवान ने, केचित एतश्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतस केचित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, कि हे पार्थ क्या आपने ये जो संदेश है ये एकाग्र मन से सुना, क्या आपने अटेंटिवली श्रवण किया इस संदेश को, और इस संदेश को सुनने के बाद क्या आपका अज्ञान और मोह दूर हो गया है ना। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि भगवान अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये भगवान का एक कर्तव्य है कि अर्जुन से पूछना कि तुमने भगवद गीता को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझा या नहीं समझा, और अगर नहीं समझा तो कृष्ण पूरी गीता दोबारा समझाने के लिए तैयार थे, है कि नहीं। कृष्ण इज रेडी टू री एक्सप्लेन एनी पॉइंट और होल भगवद गीता इज सो रिक्वायर्ड, है ना। और अर्जुन भगवान को आंसर देते हैं इसका। अर्जुन वाच नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तप प्रसाद मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करेशे वचनम त्वा। तो जैसे भगवान ने प्रश्न पूछा क्या तुमने एकाग्र मन से सुना और तुम्हारा मोह और तुम्हारी अज्ञानता दूरी, तो अर्जुन ने तुरंत ही एक सम्मिसिव एक विनम्र शिष्य की तरह जवाब दिया कि हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापिस आ गई है, अब मेरे अंदर कोई संशय नहीं रहा, मैं अपनी आध्यात्मिक पोजीशन में स्थित हो गया हूँ, और अब मैं जो भी आपके आदेश है करिष्ये वचनम त्वा, आपके सभी आदेश पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से अर्जुन इतनी विनम्रता से भगवान को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और यहाँ पर परीक्षित महाराज भी
पिछले अध्याय में एक शब्द आया यहाँ पर 43 वर्ष में लास्ट अध्याय के कि प्रसिद्ध महाराज जो कि एक बहुत बड़े महान राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, है ना, और अर्जुन के पुत्र, और जिसने कली को भी पूरा दंडित किया हुआ था, भगवान के दर्शन वो गर्भ में कर चुके थे। इतने महान कैलिबर के राजा होने के बाद भी जो परीक्षित महाराज हैं वो अपने आप को क्या करें, मैं क्षत्र बंधवा हूँ, है ना, कि आई एम द लोवेस्ट ऑफ द क्षत्रिय, मैं क्षत्रियों में, हिंदी में शब्द यूज है, क्षत्रियों में निमंतम हूँ, है ना। तो हालांकि शुकदेव परीक्षित महाराज बहुत महान भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही विनम्र प्रस्तुत किया कि किस तरह से मैं क्षत्र बांधवा। और यहाँ पर उन्हें शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हालांकि ये ज्ञान बहुत ही घुयम है और बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन क्योंकि आप विनीत हो तो फिर भी तो विनीत होने के कारण आप जो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट मैटर है उसको भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत सीखने को मिलता है कि किस तरह से जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा विनीत भाव होना, ह्यूमिलिटी होना, और ह्यूमिलिटी के से ही हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल कर सकते हैं, है ना। आध्यात्मिक ज्ञान हमें स्कॉलरशिप से नहीं आता, तपस्या से नहीं प्राप्त होता, और फास्टिंग रखने से या शास्त्रों को सिर्फ पढ़ने से ही नहीं प्राप्त होता, उससे नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन एक शिष्य का विनीत भाव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो श्लोक में जो शब्द यूज हुए, बुरिये स्निग्ध से शिष्य से गुरुवो गुह्यम अपि उता, तो यही सेम शब्द शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के लिए भी उच्चारण करते हैं। जब वो सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इस जो कलयुग के अंदर जो आने वाले दोष हैं, तो वो 6 प्रश्न करते हैं सूत गोस्वामी से। कि सबसे पहला प्रश्न यही करते हैं कि जो संसार के लोग हैं उनके लिए अल्टीमेट गुड, सारे संसार के लोगों के लिए सबसे लाभकारी कार्य क्या है वो हमें बताइए। तो उसमें प्रश्न पूछने से पहले जो भागवतम में बताया गया कि वो सूत गोस्वामी का गुणगान करते हैं, और सूत गोस्वामी, ये एक भागवतम का कल्चर है कि अगर कोई भी जब श्रोता वक्ता से प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न पूछने से पहले उनका गुणगान करते हैं, और ये रिपीटेडली आता है, और जो वक्ता है वो उत्तर देने से पहले प्रार्थनाएं करते हैं, अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो सूत गोस्वामी आंसर देने से पहले अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी का गुणगान करेंगे। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि उनके लिए क्या कहते हैं, वेथा त्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वस्तत अनुग्रहत भूरिय स्निग्ध शिष्य से गुरुवो गुह्यम अपि उता। सेम शब्द एंड की 2 लाइन वहाँ पर भी रिपीट होती है कि आप, क्योंकि आप अपने जो गुरु थे उनके स्निग्ध शिष्य से, आप बहुत ही स्निग्ध थे, आप बहुत ही सम्मिसित थे और सिंपल थे, है ना, इसलिए सौम्यत्व, आप बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही सम्मिसिव थे, तो आपको उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से क्या हुआ है, गुरुवो गुह्यम अपि उता। जो भी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स थे, जो कि आगे बताया गया कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो गुरु ने वो आपको ज्ञान प्रदान किया सारा, गुरुवो गुह्यम अपि उता। नारद मुनि भी जब भक्ति वेदांतास का सेवा करते हैं तो अपने बारे में बताते हैं प्रथम स्कंद के अंदर ही कि मैं बहुत ही जेंटल था, मेरे स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षण नहीं था, मैंने अपनी इंद्रियों को वश में किया था, और मैं अनुग्रहात, मैं उनके आदेशों का पालन, आचर्यता है, मैं उनके आदेशों का पालन करता था, और उन्होंने क्या किया मेरे ऊपर, कह रहे ज्ञानम हुयतमम यत्तत साक्षात भगवत भगवत ओदितम अनवाचम गमी शंता कृपया दीन वत्सलः। तो जो साधु होते हैं भक्ति वेदांता, वो दीन वत्सल थे, और मेरे को क्या किया, गुह्यतम, जो गुह्यतम ज्ञान था, जो कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर थे आध्यात्मिक ज्ञान के, वो मुझे प्रदान किए। तो क्यों, क्योंकि आई वॉज वेरी सबमिसिव। यहाँ पर भी यही शब्द यूज हो रहे हैं, और कि जो परीक्षित महाराज आप बहुत सबमिसिव हैं। और यहाँ पर शिला सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं अपने,
तो उनसे भी यही प्रश्न करते, बहुत ही विनम्रता के साथ प्रश्न करते हैं। हालांकि सनातन गोस्वामी कई सारे जो भाषाएं थी उनके पारंगत थे, कई सारी उन्हें भाषाएं आती थी, पारसी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली सब जानते थे, लेकिन अपने गुरु के पास जाके क्या कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाके, के आमी के में आमे जारे ताप्त्राय, कि मैं कौन हूँ मैं यही नहीं जानता, लोग मुझे पंडित कहते हैं पर ये मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्यों मुझे ये तीन ताप सता रहे हैं, मैं नहीं चाहता प्रॉब्लम्स को लाइफ में, फिर भी क्या हो रहा है, मुझे ये तीन ताप है ना क्लेश सता रहे हैं। तो अभी देखते कि सनातन गोस्वामी अपने आप को कितना विनम्रतापूर्वक महाप्रभु के आगे प्रस्तुत करते हैं, और महाप्रभु उन्हें फिर 2 महीने तक शिक्षा प्रदान करते हैं, सारा ज्ञान देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको अनुकूल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है वो है एक शिष्य का स्निग्धस्य भाव होना, है ना, स्निग्ध होना। तो यहाँ तो हालांकि प्रभुपाद लिखते हैं कि जो श्रीधर स्वामी हैं वो स्निग्धस्य को कहते हैं कि प्रेम होना उनका, यहाँ सम्मिसिव शब्द है लेकिन गुरु के प्रति प्रेम की भावना होना, ऐसा श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री में करते हैं। और अगर किसी के पास एकेडमिक नॉलेज भी नहीं है, एकेडमिक एजुकेशन भी नहीं है और इंटेलिजेंट भी नहीं है, लेकिन अगर वो सम्मिसिव है तो वो भी इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल कर सकता है। जैसा गौर लीला में एक साउथ इंडियन ब्राह्मण की कथा आती है, उनको उनके गुरु ने आदेश दिया कि आप रोज भगवद गीता का पाठ करो, है ना, और वो पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्हें अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते थे, वो अर्थ भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन क्योंकि जो गुरु ने आदेश दिया तो वो पढ़ने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि लोग आसपास के सारे परिहास करते थे उनका, उनका निंदा करते थे, उनको मजाक उड़ाते थे, देखो कैसा दिखावा कर रहा है, पढ़ने का बना रहा है, पढ़ना आता नहीं पढ़ के दिखा रहा है, कैसा ब्राह्मण है, है ना। लेकिन वो इन सब की किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना वो क्या करते थे, रोज भगवद गीता का पाठ करते थे, और स्वयं और उनकी नेत्रों से अक्षु प्रवाह होते थे, तो गीता का पूरा ज्ञान समझ पाए थे। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए और उनको आलिंगन किया और कहा कि वास्तव में आपने इस गीता के ज्ञान को समझा, वास्तव में आपने गीता पढ़ी है। क्यों? क्योंकि उनका भाव था वो क्या था, सबमिसिव का। तो विदाउट दिस ह्यूमिलिटी एंड सबमिसनेस, है ना, विनम्रता के बिना हम आध्यात्मिक ज्ञान को किसी भी दूसरे मेथड से, तपस्या के बल से, व्रत पालन करके, अध्ययन करके और नाना प्रकार के उपाय करके हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। भगवद गीता में कहा गया, तद्वधि प्रणपाते न परिपर्शने न सेविया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है, तद्विधि प्रणिपाते न, प्रणिपात करना, है ना, सम्मिसिवली, है ना, उनको प्रणाम करना, प्रणिपाते न परिपर्शने न, है ना, उनका प्रश्न करना, सेविया, और तीसरा क्या है, सेवा। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी है ना, वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुरु जो है, गुरुवो गुह्यम अपि उता, गुरु ने वो गुह्य ज्ञान दिया, और यही वास्तविक में एक गुरु का कर्तव्य है, है ना, गुरु का कर्तव्य भी है और गुरु का कंपैशन भी है, है ना। तो जो गुरु का कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना, है ना, कॉन्फिडेंशियल, अगर शिष्य, प्रॉपर लिख रहे हैं कि अगर कोई शिष्य प्रश्न करता है तो गुरु का कर्तव्य है कि वो उस कॉन्फिडेंशियल ज्ञान को शिष्य को दे, और यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा भी है कि वो शिष्य को ये ज्ञान देते हैं, है ना। भगवान ने अर्जुन को भी रिपीटेडली ये बात कही कि जो ज्ञान है बहुत घुह्यम है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन कैसा ये घुह्यम ज्ञान है, बहुत ही राज विद्या राज घुह्यम पवित्रमितम उत्तमम प्रत्यक्ष आगम धर्मम सुसुखम कर्तुमम, है ना, इदम तु ते घुह्यतमम, है ना, तो कृष्ण रिपीटेडली ये घुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। तो ये एक गुरु का कर्तव्य होता है ना, कि शिष्य को घुह्यतम ज्ञान देना, है ना। और सेकंड एस्पेक्ट इज कि यहाँ पर जो शब्द हुआ है कि
गुरु जो है कठिन से कठिन विषय को भी बता देते हैं, तो एक तो घृतम ज्ञान दे रहे हैं और जो कठिन से कठिन विषय उसको भी बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके प्रेजेंट करते हैं, है ना। सो ये गुरु का कंपैशन होता है। जैसे नारद मुनि के शिष्य थे, वो भगवान का नाम ही नहीं उच्चारण कर पा रहे थे, तो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे तो नारद मुनि ने क्या बोला कि आप क्या करो, मरा 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 राम राम, है ना, आप मरा मरा उच्चारण करो। और मरा मरा उच्चारण करके क्या हुआ, इतना सिंपल बना दिया, वो राम 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 बन गया, है कि नहीं। तो ये गुरु की एक्सपर्टीज होती है ना, है ना। तत्राति दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सो जब नारद मुनि प्राचीन पेशा से मिलते हैं, उनको भी एक पूरा कथा सुनाते हैं, पास्ट टाइम पूरा एक स्टोरी सुनाते हैं, और पुरंजन का कथा। और जब पुरंजन कथा सुन रहे हैं, प्राचीन पेशा कथा सुन रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये जो बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, लेकिन जब क्लाइमेक्स के पास पहुँच रही होती है ना स्टोरी, तो समझ जाता है अच्छा ये तो शायद मेरी बात हो रही है। तो पूरा पूरा का पूरा ज्ञान एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके प्रेजेंट करते हैं नारद मुनि, है ना। उसी तरह हम देखते हैं खासकर हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, कि श्रील प्रभुपाद की कितनी असीम कृपा है ये हमारे ऊपर, कंपैशन है कि श्रील प्रभुपाद ने ये जो भागवतम के ऊपर कमेंट्री दिया हमें, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ हमें बहुत ही सिंपल से उसमें प्रेजेंट करके दे दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया, और हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। कई बार मैं पर्सनली, मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि विदाउट एनी बैकग्राउंड, कि कोई स्पिरिचुअल लाइफ में कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, पहले तो पढ़ने का मौका मिला प्रभुपाद की कृपा से, और पढ़ के समझ पा रहे हैं, है ना। इतना फॉर्चून है कि पढ़ के समझ भी आ गया, इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से, इतना ऐसी लैंग्वेज में लिखा। अगर हम आचार्य की कमेंट्री देखें तो कई बहुत टेक्निकल है, लेकिन प्रभुपाद ने इसे बहुत ही मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से, मॉडर्न ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाए, ऐसी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा, तो समझ भी पा रहे हैं। और बड़ा मिरेकुलस सा लगता है कि लोगों को बताते हैं, बताने का मौका मिल रहा है, एक फॉर्चून बात, और मिरेकुलस सा लगता है कि लोग भी उसे समझ पा रहे हैं, मतलब खुद के बताने के बाद लोग समझ पा रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानी सी होती है कि मतलब कहाँ से क्या शिफ्ट आ रहा है। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने कितना इस नॉलेज को सिंप्लीफाइड किया, और यही एक महान आचार्य का जो योगदान होता है और एक कंट्रीब्यूशन है, हम देख सकते हैं। और एक स्टोरी आपको बताना चाहेंगे, ये हिसोली ने सचिनंदन स्वयं महाराज का स्टोरी है, उन्होंने बताया था, और मैंने एक बार प्रेमंजन पूर्ण ने भी एक बार मूर्थल बेस में पुराने कई साल पहले क्लास लिया था, स्टोरी ऑफ अ पेंसिल, लेसन्स फ्रॉम पेंसिल, है ना। तो प्रभु जी ने क्लास लिया था, मुझे याद है आज से तकरीबन 7-8 साल पूर्व। तो ऐसा बताते हैं कि एक गुरु के बहुत ही सिंपल शिष्य थे, है ना, और सुरेश उनका नाम था, और वो उड़ीसा में रहते थे। तो सुरेश बहुत ही सिंपल थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन समय के अंतराल में क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी उन्हें शरीर छोड़ दिया, और उनका एक गाय थी, एकमात्र गाय, वो भी चली गई। वो बहुत ही दुखी थे, कुछ था ही नहीं जीवन में उनके, बहुत मतलब दुख था उन्हें। और क्या हुआ, उनके गुरु ने बुलाया एक बार, और उनके गुरु ने बोला कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, और वहाँ पर ही मेरे को एक शिप लेने आएगा जो मुझे मेरी ओरिजिनल होमलैंड पे लेके जाएगा, मेरे वास्तविक घर मुझे लेके जाएगा। तो वो समझ नहीं पाते, वो बहुत सिंपल होते हैं, इतना उनके मीनिंग समझ नहीं पाए गुरु की बात का, लेकिन ठीक है, उन्हें लगता था पता नहीं क्यों कह रहे हैं गुरु ऐसा, गुरु का घर तो साउथ इंडिया में है, वहाँ से शिप मेरे को अपने घर लेके जाएगा, तो बात कनेक्ट उनको समझ नहीं आती। फिर भी गुरु ने बोला है, वो चलने के लिए तैयार हुए, और जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। गुरु की सेवा करते हुए वो यात्रा को करते हैं, और कई दिनों बाद जब फाइनली जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं,
भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं पतित पावन जगन्नाथ के, तो उन्हें बहुत आनंद आता है कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। और दो हफ्ते बाद वहाँ पर रथ यात्रा का महोत्सव होने वाला था, तो रथ यात्रा महोत्सव में आने के करीब जब गुरु का स्वास्थ्य खराब होने लगा, उनको बुखार हो गया, उनकी शरीर जर्जर होता गया, उनका अधिक एज भी था, तो अब उस शिष्य को समझ आ रहा था कि शायद गुरु जो कह रहे थे वो शिप मुझे लेने आएगा वो क्यों कह रहे थे, और मुझे अपने वास्तविक घर जाना है। तो उनका बिल्कुल ऐसा हो गया कि शरीर त्यागने वाले हैं। और रथ यात्रा के अगले दिन फाइनली उन्होंने अपने शिष्य सुरेश को बुलाया और उनसे बोला कि आप उनको एक पेंसिल दिया और एक रबड़ दिया और साथ में एक पेज दिया, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, 5 इंस्ट्रक्शंस लिखी थी उसमें, और ये दिया और उन्हें कहा कि अब मेरा समय आ गया है, आप मेरे लिए क्या करो, फेवरेबल जो हवाएं हैं वो बनाओ ताकि मैं अपना शरीर अच्छे से छोड़ सकूं, मतलब मेरे लिए आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। अब सुरेश उनके लिए गुरु के लिए मंत्र करते हैं, उनका शरीर त्याग देते हैं, फिर उनका सारा स्वर दर ले जाके उनका क्रीमेशन करके और सब उनकी जो एशिज होती हैं समुद्र में प्रवाह करके सब करके, मतलब गुरु के सारे कार्य को करके विधि विधान से, फिर वो अपने गांव वापस जाते हैं। लेकिन अब सुरेश बहुत बदल चुके होते हैं, वो बहुत खुश रहने लगते हैं। जब सारे गांव वाले देखते हैं कि इतना खुश है तो बड़े हैरान होते हैं, कह रहे इस पे तो कुछ है ही नहीं, इसकी पत्नी भी चली गई, इसकी जो गाय थी वो भी मर गई है, इतना खुश कैसे रहने लगा ये आजकल, क्या बात है, ऐसा क्या सीक्रेट है इसके पास जो ये बहुत खुश रह रहा है आजकल, सब हैरान हो गए। और तभी बीच में जैसे रूमर्स फैलने लगे गांव में कि लगता है इसने गुरु को मार डाला है और उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली है, तभी ये इतना खुश है कि नहीं। और एक दिन कई गांव वालों ने इकट्ठे होकर उसे पकड़ लिया, वह किडनैप कर लिया एक तरह से ना, और उससे पूछा कि तुम्हारा क्या, तुम आजकल इतने खुश क्यों हो, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, क्या ऐसी क्या चीज़ है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, है ना। तो बताते हैं बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें वास्तव में अपनी गुरु की महिमा का गुणगान करने का मौका मिला। तो शिष्य का एक सौभाग्य होता है, बहुत प्रसन्न होता है जब उसे गुरु के बारे में गुणगान करने का मौका मिलता है। तो कहते मैं जब गुरु शरीर छोड़ रहे थे ऐसे ऐसे जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने मुझे क्या दिया, एक पेंसिल दी और एक रबड़ दिया और एक पेज दिया जिसपे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। तो वो इंस्ट्रक्शंस जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बहुत, उससे मेरा जीवन परिवर्तित हो गया उन आदेशों से। तो गुरु के आदेश से व्यक्ति का जीवन पर पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। तो बताते हैं वो क्या आदेश थे। तो पहला लेसन था उसमें जो लेटर था उस पर लिखा हुआ था कि जो इनसाइड होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आउटसाइड से। तो जो पेंसिल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक लेड होता है जो चलता है, बाहर लकड़ी होती है, वो लकड़ी तो डेड होती है लेकिन अंदर क्या है, वो लेड है जो पेज पे चलता है। तो उसी तरह इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हम सब क्या है, जीवात्मा है और ऊपर जो देह है वो मृत है। तो जो मेन सब्सटेंस है, जो मेन महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो आत्मा है और शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो व्हाट इज इनसाइड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटसाइड, ये था लेसन वन। दूसरा लेसन देते हैं कि हर अच्छी पेंसिल के साथ पीछे इरेजर भी होता है, रबड़ भी देते हैं, कई पेंसिल्स होती हैं आप देखें पीछे उसमें रबड़ होता है, ताकि जब पेंसिल से लिखते हैं तो कुछ गलती हो जाती है तो क्या करना है, उसे रब कर दीजिए। उसी तरह हम लोग जो साधना भक्ति कर रहे हैं, हम इस संसार में भौतिक जगत में 3 गुणों के अंदर हैं, 3 गुणों का जगत है, इस 3 गुण के जगत में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे अंदर इतना ऑनेस्टी और करेज होना चाहिए कि हम इन गलतियों को स्वीकार करें, एडमिट करें और उन गलतियों को इरेज कर दें। इरेज करें मतलब कि उसे रिपीट ना करें अपने जीवन में। तो ये था लेसन नंबर 2 कि हर
पेंसिल के साथ एक रबड़ है, हमसे भी गलतियां होती हैं और हम उनसे सीख के उनको गलतियों को सुधारें। लेसन नंबर 3 कि अगर हम उससे लिखना चाहते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो उसको शार्पन करना बहुत ज़रूरी है। कि समय के साथ क्या होता है, पेंसिल की जो शार्पनेस है वो हट जाती है, वो बहुत खुरदरा सा हो जाता है, ब्रूटल हो जाती है। तो उसी तरह अपने जीवन में हमें भी अपनी माइंड और कॉन्शियसनेस को शार्पन करने की जरूरत है, रेगुलर उसे अलाइन करने की जरूरत है। व्यवसात्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसलिए कंटिन्यूसली हमें अपनी मन और चेतना को बिल्कुल अलाइन करने की जरूरत है कृष्ण के साथ, है ना। तो है ये लेसन नंबर 3 था। और लेसन नंबर 4 दिया कि हर पेंसिल जब चलती है तो एक उसका यूनिक लाइन होता है, सब यूनिक उसकी तरह से चलती है हर पेंसिल। तो उसी तरह भगवान के जो अंश हम लोग हैं सब, हर कोई जीवात्मा यूनिक है, भगवान के अंश होने के कारण सबके अंदर यूनिक क्वालिटी है। सो एवरी वन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड एंड हर एक का अंदर यूनिक क्वालिटीज भगवान ने दी हुई है। सो वी शुड अप्रिशिएट दोज क्वालिटीज, हमें उसकी भक्तों की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। पांचवा बताया कि जो पेंसिल होती है, हालांकि वो लिखती है पेपर पे, लेकिन वो अपने आप नहीं लिखती, हर पेंसिल को लिखने वाला कोई एक व्यक्ति होता है और उसका गुणगान होता है। तो उसी तरह जो हम सब भगवान के अंश, और भगवान ने हमारे अंदर क्वालिटीज दी हुई हैं कुछ ना कुछ, तो वी शुड मेक अवर सेल्फ पपेट इन द हैंड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। कि अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो उसका क्रेडिट उस इंडिविजुअल का नहीं है, उसका क्रेडिट है गुरु और कृष्ण का, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद जब वेस्ट गए तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जलदूत के ऊपर कि भगवान नचाओ नचाओ नचाओ, है ना, कि मुझे नचाइए आप, आई एम अ पपेट इन द हैंड्स। और जो भी सक्सेस शिला प्रभुपाद को मिलता था, प्रभुपाद कहते थे दिस इज बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, ये सारा किसके कारण है, मेरे आध्यात्मिक गुरु के कारण है। तो जो हमारा लाइफ में कुछ भी है, जो भी पेंसिल लिख पाता है, वो किस कारण, क्योंकि वो किसी के हाथ में थी, उसको किसी ने पकड़ा हुआ था, उसी कारण वो कर पाए। तो हम अपने जीवन में कर पाते हैं किस कारण से, क्योंकि गुरु और कृष्ण की हमारे पे कृपा होती है। तो ये 5 शिक्षाएं उस सुरेश ने गांव वालों को दी, तो गांव वाले भी बहुत ही आनंदित हुए और कह रहे कि जब मैं रोज अब इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता हूँ अपने गुरु की, और रोज मुझे नई नई अनुभूतियाँ होती है, और रोज नई अनुभूति होती है और मैं रोज आनंदित रहता हूँ। तो जब ये गांव वालों को ये 5 की 5 लेसन्स मिले तो वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी सबने पूरे गांव में बात फैल गई और सबने अपने जीवन में वो 5 लेसन अपनाए और सारा का सारा गाँव क्या हो गया, कृष्णा कॉन्शियस हो गया। तो वहाँ पर सचिनंदन स्वामी महाराज कहते हैं एंड में कि मेरे को अपने आध्यात्मिक गुरु से ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुई हैं। तो देखते हैं कि ये गुरु की एक्सपर्टिस थी कि उन्होंने जो घुईतम ज्ञान था, जो कि कठिन से कठिन ज्ञान था, वो शिष्य इतना कठिन पढ़ा लिखा नहीं था, उसे कुछ नहीं समझ आ सकता था, उसे स्कॉलरशिप नहीं समझ, वैदिक स्क्रिप्चर्स नहीं समझ आ पाए, लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर को जो घुईतम ज्ञान था उसको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल भाषा में उन्होंने उसको करके दिया। तो यहाँ पर हमने इसी से ये देखते हैं कि 4 हमारे आज के विषय थे, हमने चर्चा की जिसपे कि एक शिष्य जो होता है वो कैसा है, स्निग्धस्य शिष्य से जो शब्द यूज हुआ है, और दूसरा शब्द यूज हुआ है शुणवस अवहितो, अटेंटिवनेस इन हियरिंग, उसमें हमने चर्चा किया शिष्य के सबमिसिवनेस, और जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो कॉन्फिडेंशियल है और डिफिकल्ट है समझना, वो घुयम है और कठिन है, और चौथा जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो उस सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट मैटर को भी आसान बना देते हैं। तो इन 4 विषयों पर आज हमने चर्चा करी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? यस यस प्रभु जी। तो मैंने
तो मैंने बताया था कि किस जैसे देखते हैं पूरे भागवतम में भी वेरियस एपिसोड्स हैं, कई सारे लेवल पे कन्वर्सेशंस चल रही हैं. सूद शौनक ऋषि सूद गोस्वामी से पूछ रहे हैं, विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज शुद्धदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं. और इट्स वेरी नेचुरल कि ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, सात दिन सात रात चल रहा है, और जो वक्ता है श्रोता हैं परीक्षित महाराज स्पेशली, वो सात दिन से कुछ मतलब जब जितने भी दिन अभी तक बीत गए कंटिन्यूसली उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कुछ सोए नहीं है. तो नेचुरली जो स्पीकर है ही माइट थिंक कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, हो सकता है वो भूख प्यास उन्हें सता रही हो. तो उस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपकी जो कथा है, जो आप कथा कर रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को ये नया नया टेस्ट दे रही है और जो लोअर टेस्ट है बॉडली डिमांड्स है मेरे को बिल्कुल भी नहीं सता रहे. सो जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू शुद्धदेव गोस्वामी कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस रहे और वो कथा को कंटिन्यू करते रहे कि स्पीकर के मन में इस तरह का विचार नहीं आ जाए शायद ये अब भूख लग रही होगी, इन्हें प्यास लग रही, तो लेट मी स्टॉप द कथा. क्योंकि जैसे ही कहीं पर भी आता था, जैसे इन्होंने 8 साल पुरानी घटना पूछी तो स्किप हो गया, जैसे कालिया में भी अभी आप आगे पढ़ेंगे कालिया लीला आती है, तो वहाँ पर जो शुद्धदेव गोस्वामी है पहले एक श्लोक के अंदर ही पूरी लीला खत्म करने वाले हैं, लेकिन परीक्षित महाराज तुरंत वहाँ प्रश्न कर देते हैं कि आप मुझे डिटेल में बताइए. सो परीक्षित महाराज वॉज सो ईगर टू हियर दैट ही वॉन्ट टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू द स्पीकर कि वो देना चाहते थे कि आप प्लीज करिए, डोंट थिंक कि मेरे को भूख प्यास और निद्रा सता रही है, इसलिए दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस इज गिविंग. उस सेंस में मेरा कहने का अभिप्राय था. तो हमारे साथ तो नींद आती है, हमें हमारी स्थिति तो यही है. कई बार भट्ट वो हमारे यू नो बेटर. कई और प्रश्न है जी. हाँ, तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग बेसिकली पर्याप्त नहीं है, बेसिकली सिर्फ यही कर लेंगे तो हमें ज्ञान मिल जाएगा, इट इज़ नॉट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्वालिफिकेशन. कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, जैसे गौर लीला में वो दुर्धारी ब्रह्मचारी थे, वो गौर लीला में एंटर करना चाहते थे महापू की अंतरंग लीला में, महापू डिड नॉट अलाउ हिम, महापू ने उसे अंदर नहीं आने दिया, रिजेक्ट कर दिया है ना, क्योंकि ही वॉज प्राउड ऑफ हिज ऑस्टेरिटीज है ना, वो अपनी ऑस्टेरिटीज को लेकर बहुत ही उनको उसका अहंकार था. तो ये सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं है कि मुझे, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, त्यागी हूँ, विरागी हूँ, या बहुत वर्त करता हूँ, नहीं. भाव कैसे क्या वो शिष्य सम्मिश्र, ऑब्वियसली सम्मिश्र शिष्य गुरु के सारे आदेश पालन करेगा, शास्त्रों के आदेश पालन करेगा, और उसमें इनकी प्लेस है. यज्ञ ध्यान तपा ना त्याज्यम कर्म एव चत पावन पावनानी मनीषिणाम, मनुष्यों को भी पावन करता है यज्ञ दान और तपस्या. सो वी हैव डू हैव अ रोल. ओके, सो 9 बज गए, इसी के साथ यहाँ पर हम विराम करते हैं. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद.